आ गई बॉल, गेम शुरू करते हैं। कर भला तो हो भला, गेम खेला जा रहा है आज सबसे बड़ा, रुद्रा वर्सेस मायरा वर्सेस वरुण। देखते हैं पहले बास्केट कौन करेगा, और ये रुद्रा ने कर दिया फर्स्ट बास्केट। तालियां तालियां, क्या बोलते हो दोस्तों, बॉल है वरुण के पास, वरुण ने किया थ्रो और बॉल गई गई गई। बॉल कहां गई? वाह वरुण, क्या थ्रो था, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। हाय फ्रेंड्स, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हेलो रुद्रा, आई वुड लाइक यू ऑल टू मीट माय फ्रेंड बादल। बादल, वहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। अब ये दिख जाएगा। इनी मिनी माइनी मो, जेनी का मैजिक शुरू हो। ये क्या हो रहा है? अरे अरे रुद्रा, ये क्या हो रहा है? Presenting Jenny Johnny's creation, Badal. Hello. कर भला तो हो भला, ये बादल है या स्नोमैन? ये कोई नॉर्मल क्लाउड नहीं है। अरे कर भला तो हो भला, ये जो भी है बड़ा खतरनाक लगता है, अब तो दादाजी को बताना ही होगा। अरे 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 रंगीला, इतनी जल्दी में क्यों, क्या हुआ? दादाजी, क्या बात कर रहे हो रंगीला, चलो जल्दी। मैं जादू, मैं माया जाल, डर मुझसे, मैं हूँ शाकाल। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। बादल, नेक्स्ट मूव। नहीं बच्चों, रुक जाओ। ओहो, रुद्रा के दादाजी आ गए हैं, यहाँ से भागने में ही भलाई है। दादाजी, यही है वो बादल, प्लीज बच्चों को बचाइए। डिवाइस का क्लाउड स्प्लिटो। दादाजी, वरुण अब नीचे आ जाओ या ऊपर ही लटकते रहोगे। जय सिंह जय सिंह जय सिंह, तो यहाँ पर हो तुम। अकीरा जकीरा बजूका मैजिको, जिसका पोर्ट्रेट हो उसे अंदर पुलीटो। जय सिंह और रुद्रा दोनों फंसेंगे मेरे जाल में। Thank you.
दादाजी। इतनी रात गए, ये आवाज कैसी है? दादाजी। ये पोर्ट्रेट को किसने हिलाया? आवाज तो यहीं से आ रही थी। यहां तो कोई नहीं है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कौन मुझे खींच रहा है? रुद्रा! ये तो दादाजी की आवाज थी। दादाजी, दादाजी, दादाजी आप कहाँ हैं? दादाजी, दादाजी, कौन है? छोड़ो मुझे! कौन है? छोड़ो मुझे! मैं माया जाल, मैं हूँ शाकाल। रुद्रा, तुमने खुद को बचाने की तो बहुत कोशिश की और बच भी गए, पर अफसोस, अपने दादाजी को नहीं बचा पाओगे। मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। बाय बाय। शकल! रुद्रा, रंगीला ने बताया कि शाकाल दादाजी को ले गया। हाँ, वो भी धोखे से। हमें ये भी नहीं पता कि वो गया कहाँ है। रुद्रा, दादाजी का पोर्ट्रेट चेंज कब करवाया? इस पेंटिंग में उनकी आंखें बंद क्यों हैं? ये कैसे हो सकता है? पेंटिंग कल रात तक तो ठीक थी, कुछ तो गड़बड़ है। ओह नो, शाकाल ने दादाजी को इस पोर्ट्रेट में ही कैद किया है। मैं उनकी हार्ट बीट सुन सकता हूँ। ओह नो, दादाजी तो इसी पोर्ट्रेट में कैद है। इस लड़के का मैं क्या करूं? बाल की खाल निकालना कोई इससे सीखे। इसने पल भर में पता लगा लिया कि जय सिंह पोर्ट्रेट में कैद है। शाकाल जोगा से तो ना होगा, पर आपसे तो हो सकता था। आपको पोर्ट्रेट वहां छोड़ना ही नहीं चाहिए था। पोर्ट्रेट छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन रुद्रा बच गया था, इसलिए छोड़ना पड़ा, ताकि बाद में चुपके से उठा के ले जाओ। लेकिन अब कुछ करना होगा। हाँ, ये लाइट्स को क्या हुआ? रंगीला चिल्ली, जल्दी लाइट्स ऑन कीजिए। शाकाल के हाथ दादाजी का पोर्ट्रेट नहीं लगना चाहिए। रुद्रा, इतने सारे बैच एक साथ? कुछ करो रुद्रा, कुछ करो। वो तो दादाजी की पोर्ट्रेट लेकर जा रहे हैं। ये बैट जरूर शाकाल ने भेजी होंगी। पोर्ट्रेट में कैद किसी को आजाद करने का एक ही तरीका है, गोल्डन पर्ल को उसकी आंखों पर टच करना होगा।
गोल्डन पर्ल अनलकी ट्रायंगल की गहराइयों में छिपा है और ये आगे तो कोई पजल की भाषा लगती है। समंदर के नीचे जाओ तो मोती कैसे पाओगे, ऊंचा देखो ऊंचा सोचो तो उल्टा सागर पाओगे। रुद्रा अनलकी ट्रायंगल में जो जाता है डूब जाता है, आज तक कोई वापस नहीं आया। बड़े बड़े पानी के शिप उसमें डूब चुके हैं, वहाँ जाने से पहले एक बार सोच लो। अलाजार सर, दादाजी को बचाने के लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। मैं भी आया दोस्तों। अरे वाह, बादल में से झरना गिर रहा है, ये तो तूफानी बवंडर लग रहा है। रुद्रा, एक बार इसमें गए तो बाहर आना नामुमकिन है। हमें नीचे कहाँ जाना है, जो डूब जाएंगे ऊंचा देखो ऊंचा सोचो उल्टा सागर पाओगे। इसका मतलब है हमें नीचे नहीं ऊपर जाना है और मैं इसी पल ऊपर जाऊंगा। रुद्रा संभल कर जाना। ओके रंगीला। वाओ, इसीलिए बुक में लिखा था उल्टा सागर पाओगे, ये तो उल्टा सागर है। अब पानी रुका कैसे है, नीचे गिर ही नहीं रहा, कमाल है। इसके अंदर जाके वो मोती लाना होगा। ये नजारा तो बहुत ही खूबसूरत है। Excuse me, दूसरा रास्ता देखना। संभल के चलो बच्चे। हाँ, अरे वाह, मिल गया पल। ये क्या था? किसने जगाया मुझे? कौन हो तुम? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोल्डन पर्ल को छूने की? तुमने मेरी नींद तोड़कर मुझे जगा दिया, तो अब सोने की बारी तुम्हारी परमानेंटली। तैर कर कितनी दूर जाओगे? तुम मुझसे ज्यादा देर छुप नहीं सकते बच्चे। पल को मुझसे अलग करके ले जाने की तुमने गलती की है। ड्रैगन जी सॉरी, मुझे ये पल ले जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप मुझसे साइज में बड़े हैं, पर रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। मैं पल वापस लेकर ही जाऊंगा।
मुझे तुम गुस्सा दिला रहे हो। इबाइस का फायर प्रोटेक्टो। अब इससे बच के दिखाओ। इबाइस का मैजिकल रोप क्रिएटो। इसकी रक्षा करता रहा हूँ। ड्रैगन, मुझे पल का कोई लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने दादाजी को ठीक करने के लिए पल ले जाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये पल लौटा दूंगा। आज तक कोई इंसान मेरी भाषा नहीं समझ सका, पर तुम समझ पाए। इसका मतलब तुम एक नेक दिल सच्चे इंसान हो। ना तुम डरे ना थके। जाओ, ले जाओ पर्ल। हाँ, थैंक यू ड्रैगन। ये पर्ल तो मिल गया। चलो दादाजी को बचाते हैं। क्या जयसिंह का पोर्ट्रेट वहां कैसे हो सकता है? वो तो यहाँ हमारे पास है। शाकाल, तुम खुद को बड़ा मायावी कहते हो ना? मुझे पता था कि तुम दादाजी का पोर्ट्रेट गायब करवाओगे, इसलिए मैंने ही कल अपने पैलेस में अंधेरा किया था और तभी रियल पोर्ट्रेट को छिपाकर उसकी जगह नकली पोर्ट्रेट रख दिया था। अब तुम हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शाकाल के अंदर के बदले की आग मुझे क्यों महसूस हो रही है? अरे बजाओ आग! हाँ, मेरे इतने अच्छे प्लान को रुद्रा ने मिट्टी के ढेर की तरह ढहा कर रख दिया। तो क्या हुआ शाकाल? कोशिश तो तुमने अच्छी की थी। अरे कोशिश करने से क्या होता है, प्लान तो फेल हो ही गया ना। पर कोई बात नहीं, जब तक शाकाल है अपने मायावी जाल में रुद्रा को फंसाता रहेगा। पर ये कौन बोला?
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जय सिंह, रुद्रा तो बड़ा प्याला बच्चा है, मैं तो बस अपने नए मंत्र की प्रैक्टिस कर रहा था। नए मंत्र की प्रैक्टिस है, दिल पे मत लेना प्लीज। अरे हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, फिर मिलता हूँ। बाय बाय, टाटा। भाग ले, जोगा इन्हें चाय पिला दे।